अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप एक से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स चला रहे हो या एक से ज्यादा यूट्यूब चैनल चलाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब चैनल्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ, आप देख लो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आप एक डिवाइस पे कितने चैनल्स को या कितने जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो, तो ये अनलिमिटेड है। आप किसी भी डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, पीसी पे जितनी मर्जी जीमेल अकाउंट्स को लॉगिन कर सकते हो, जितने मर्जी चैनल्स को लॉगिन कर सकते हो, तो इससे कोई इशू नहीं होता है। दूसरे नंबर पे आता है एडसेंस अकाउंट। अगर आपने 4 या 5 यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो हैं और आप उनको जोड़ देते हो एक ही एडसेंस अकाउंट के साथ, और तो ये जो मामला है ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है। देखिए, पहले तो आपकी सारी पेमेंट, जितने भी चैनल्स की पेमेंट होगी वो सारी की सारी उसी अकाउंट में आएगी, लेकिन अगर आपका किसी भी वजह से आपका जो एडसेंस का अकाउंट है वो डिसेबल हो जाता है तो आपके सारे चैनल्स की पेमेंट्स जो हैं वो रुक जाएंगी। तो क्योंकि एक आईडी कार्ड पे एक ही एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा चैनल चला रहे हो तो घर में बहुत से फ़र्द होते हैं, आप उनके आईडी कार्ड्स पे अलग अलग एडसेंस अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। तो अगर किसी एक चैनल पे मसला या किसी एक एडसेंस अकाउंट पे प्रॉब्लम भी आती है तो आपके जो बाकी चैनल्स की पेमेंट होगी वो बिल्कुल सिक्योरली आपके दूसरे एडसेंस अकाउंट में आती रहेगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, तीसरी बात सबसे ज़्यादा अहम है, जो कि बहुत से दोस्त गलती करते हैं और बहुत बड़ा नुकसान इस चीज़ का उनको उठाना पड़ता है। देखें, अगर आप YouTube चैनल्स ओपन करते हो तो आपको कभी भी एक Gmail पे जो है एक से ज़्यादा चैनल ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान बढ़ना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले अगर आपने एक Gmail पे 4 YouTube चैनल्स चला रहे हो तो अगर किसी एक चैनल को YouTube किसी भी वजह से टर्मिनेट कर देता है तो याद रखिएगा आपके जितने भी अकाउंट होंगे YouTube पे वो सारे के सारे टर्मिनेट हो जाएंगे, और ये YouTube की पॉलिसी है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका जो जितने भी चैनल्स होंगे डिलीट हो जाएंगे और आपको बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपके जितने भी YouTube के चैनल्स होने चाहिए वो डिफरेंट जो है वो Gmail से होने चाहिए। अगर किसी पे कभी कोई मसला आए भी तो आपके जो दूसरे चैनल है वो सेम रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि यकीनन आपको बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।